मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए लाया जा रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन से भरा राज्य सरकार का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हवाई जहाज लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ। फिलहाल इस हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। इस बात की जानकारी ग्वालियर की एसपी हेतिका वसल ने दी। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप ला रहा मध्य प्रदेश सरकार का विमान लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के चलते रनवे पर फिसल गया। ये विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हादसे में 2 पायलट समेत 3 लोगों को चोट आई है। यह हादसा गुरुवार रात 9 बजे के करीब हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। और से रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहे थे प्लेन में, तो उसमें यहाँ ग्वालियर एयरपोर्ट पर जो है रनवे से जो है थोड़ा सा स्लिप हुआ है प्लेन। उसमें हमारे 2 पायलट और एक नायब तहसीलदार जो लेके आ रहे थे वो घायल हुए हैं। एक तो माजिद अख्तर जी हैं, शिव शंकर जायसवाल जी हैं और नायब तहसीलदार दिलीप। तो अभी हमने तीनों को यहाँ एडमिट कराया है और उनके अच्छा इलाज भी शुरू हो गया है। जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, तो जो भी उचित इलाज है वो मतलब चालू हो गया है। बता दें गुरुवार को रात 9 बजे ये दुर्घटना हुई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन ला रहा जो विमान था वह दुर्घटना का शिकार हो गया है। हादसे में पायलट समेत 3 लोगों को चोट आने की जो खबर है वो मिल पा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए लाया जा रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन से भरा राज्य सरकार का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई जहाज लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ। इस हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। इस बात की जानकारी ग्वालियर की एएसपी हेतिका वसल ने दी। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप ला रहा मध्य प्रदेश सरकार का विमान लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के कारण रनवे पर फिसल गया। ये विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। वहीं इस हादसे में 2 पायलट समेत 3 लोगों को चोट आई है। यह हादसा गुरुवार रात 9 बजे के करीब हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज किया जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।